कराची वालों के लिए जल्द हम इंशाल्लाह एक गुड न्यूज भी होगी। अमर क्या सुनाओगे? पोयम। मैं नई वीडियो में जो है इसको भी दिखाएंगे, हलीमा हुरैन को, लेकिन उनकी मामा को हम नहीं दिखा सकते। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, शाबाश। कोई बात नहीं। अरे उमर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद शाह, आप कैसे हो? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं चाचू? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अबू बकर कैसे हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स कैसे हैं? वो तो इंशाल्लाह अच्छे होंगे। इंशाल्लाह आपके तो सारे आपके ही हैं, आपके हैं, अब बकर के हैं, अब थोड़े बहुत इस क्यूटी के भी हैं, उमर के भी हैं, मेरा कोई भी बहन नहीं है। सिर्फ दो फैन ने ना पिक्चर खींची थी, और तो कोई मुझे पहचानता भी नहीं है कि कौन है, पता नहीं। अरे, और ये शर्ट कौन सी पहनी है इसने, उमर ने? ये कौन सी शर्ट है आपको पता है? ये है काई कबीले की शर्ट। ठीक है, तो उमर कहाँ भाग गया है? उमर आ जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ। शेर बच्चे, अबकर कैसे हैं? ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद आप भी ठीक हो? तो इतने दिन कहाँ गायब थे? घर में थे। अरे और जब स्कूल खुलेंगे तो फिर आप कहेंगे नहीं बस हम सोते हैं, हमें नींद आई है। नहीं, अभी तो ऐसे नहीं बोलूंगा। उमर आप स्कूल कब जाओगे? नहीं जाओगे? क्यों? अच्छा, बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे? तो डॉक्टर बन के क्या करोगे? इलाज करोगे? अरे अहमद की पहली वीडियो भी इस तरह थी। तो कैसे इलाज करोगे? किस चीज का इलाज करोगे? इंजेक्शन लगाओगे? इंजेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मेरे साथ प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं इस वक्त। आप सबके दिल पसंद, हर दिल अजीज, अहमद शाह, उमर भी हमारे साथ। उमर सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो उमर? ठीक हो? आप भी ठीक हो? उमर कैसे हो? मैं ठीक हूँ। उमर? मैं ठीक हूँ। उमर आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लड़ो नहीं ना, लड़ो नहीं। अच्छा, तो मेरे साथ शहजादा अबू बकर भी है। अबू बकर आप कैसे हो? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। फैंस कैसे हैं? सलाम तो करो फैन को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको पता है कि ये जो हम फैंस कहते हैं ना, फैंस, असल में ये फैंस नहीं, हमारी फैमिली है जी। फैमिली जैसे देखो, हमें अपने फैमिली में पापा मम्मा और दादी ये सब होते हैं और वो सब हमसे प्यार करते हैं, तो इस तरह ये सब भी हमसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो कभी इनको भूलना नहीं है। मैं तो हर वक्त याद करता हूँ। आप इनको याद करते हो? अच्छा, कभी भी ये लोग आपको जहाँ मिले आपको पिक्चर का कहते हैं तो पिक्चर बनाते हो कि नहीं? मना कर देते हो कि मैंने नहीं बनानी? बनाते हो? अच्छा, सबकी बात मानते हो? जैसे अभी अबू बकर है, अबू बकर को कोई कहे ना कि एक पिक्चर तो बना, अबू बकर कहते हैं नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं बनाता हूँ। बोलता हूँ। आप ऐसे नहीं बोलते? नो। उमर बोलते ऐसे? उमर भी नहीं बोलता। तो इसी तरह जैसे ये लोग हम सबसे प्यार करते हैं, हम सब भी इनसे प्यार करेंगे। ठीक है, तो ये भी हम सबको बहुत प्यारे हैं और इन्होंने आपको बहुत सारी दुआएं देते हैं, आप तीनों को। अबू बकर मेरे ख्याल में पिछली वीडियो में नहीं था, वो बर्थडे के बाद वाली वीडियो में, तो सब पूछ रहे थे कि अबू बकर कहाँ है, और तो अबू बकर घर में था और हमने वीडियो इसलिए लेट बनाई क्योंकि
ठंड बहुत ज़्यादा थी और बच्चे सारा दिन अपने रूम में होते थे, तो मैं उनको ज़्यादा तंग नहीं करना चाह रहा था कि बच्चे अपनी बस अपने उसमें इंजॉय करें, इसलिए हमने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई और सोचा कि चलें आज वीडियो बना लेते हैं, ताकि अक्सर लोग पूछते थे कि यार वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं और बच्चे कहाँ हैं, तो मैंने कहा चलो सबको खैर खैरियत मालूम हो जाए बताया। तो बर्थडे वाली वीडियो में पापा नहीं थे केक काटते वक्त, तो भूल गए आप सब, आप सबको अब फाइन देना पड़ेगा कितने कितने, 50,000 रुपए। वो तो मेरे पास नहीं है, आप चाहे तो मेरे जेब काट लो और ले लो। तो आपके खाली जेबों को मैं क्या करूंगा? अच्छा आपको पता है कि आज हमें उमर कुछ सुनाएगा। जी उमर क्या सुनाओगे? पोयम। कौन सी पोयम? मछली सुनाओ। मछली एक दो तीन स्टार्ट। याद आई। एक दो तीन स्टार्ट सुनाओ। बबली से फेंको। पोयम नहीं आती? अच्छा अच्छा एक और चीज सुनाओ हमें ना, आप ताऊज सुनाओ। ताऊज शाबाश। और तर्जमा? शाबाश क्लैपिंग, वेरी गुड। और तस्मिया? शाबाश। इरामा? शाबाश। तर्जमा? शुरू हाँ अल्लाह के नाम से जो नायक मेहबान और हाँ प्रेम करने वाला है। शाबाश वेरी गुड। लेकिन वो थोड़ा सा गलत पड़ता है, प्रेम करने वाला है। ये हम गलत बोलते हैं, ये और गलत बोलते हैं। तो दूसरा ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी मैं नई वीडियो में जो है इसको भी दिखाएंगे, हलीमा हुरैन को भी दिखाएंगे। और मेरे ख्याल में आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा तो बहुत सारे लोगों ने जो है हमें अक्सर वीडियो में वो कहते हैं कि भाई इनके पेरेंट्स को हमें दिखाएं, तो अक्सर जो है दो तीन वीडियो में अहमद के वालिद को मैंने दिखाया हुआ है, जिसमें प्ले बटन की वीडियो भी है और इसकी वीडियो है ईद की वीडियो में और जो है बर्थडे की वीडियो में, लेकिन उनकी मामा को हम नहीं दिखा सकते क्योंकि हम लोग जो है वो पर्दा करवाते हैं, तो पर्दे की वजह से हम अपनी फैमिली मेंबर में किसी भी लेडीज़ को नहीं दिखा सकते, तो इसके लिए माजरत। और कि मतलब जो लोग कहते हैं कि भाई हमें जैसे कि फीमेल्स जो इतने भी फैंस हैं तो वो कहते हैं कि यार इनके मामा पापा को दिखाएं, तो वो ये पॉसिबल नहीं है। तो इंशाल्लाह जितना भी हमसे हो सकेगा मैं आपको इन बच्चों को दिखाया करूंगा और इनकी जो है प्यारी प्यारी मोमेंट्स, इनकी प्यारी प्यारी बातें आप तक इंशाल्लाह मैं डिलीवर करूंगा कि वो आपको दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं हमारे साथ होंगी उम्मीद है। और हाँ हमारी जो मेरी अम्मी हैं उन्होंने आप सबके लिए एक पैगाम भिजवाया था। क्या भिजवाया था? मेरी दादी है ना फ्रेंड्स के लिए बहुत सारी दुआएं करती है। अरे वाह माशाल्लाह, बिल्कुल दुआएं करती हैं आप सबको, हमारी फैमिली बहुत दुआएं देते हैं। जो जो लोग आप लोग जब अच्छे कमेंट्स करते हैं, जब अच्छी दुआएं देते हैं, तो जाहिर है यहाँ से भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं निकलती हैं, बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए निकलता है, चाहे वो जिस कंट्री से भी हैं, बांग्लादेश, इंडिया, कैनेडा और इस तरह अमेरिका हो गया, ठीक है हमारा अपना पाकिस्तान, जितने लोग चाहते हैं अहमद लोगों को, इन बच्चों को, तो उन सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि हम कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों ने इन बच्चों को इतना प्यार दिया कि आज इनको पूरी दुनिया जानती है। तो अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो, कभी भी आप लोगों का किसी भी बात से दिल दुखा हो, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, हमने कोशिश तो है कि ऐसा कभी मौका ना दिया हो, लेकिन फिर भी इंसान है, गलती हो जाती है, तो उसके लिए हम दिल की गहराइयों से आप सब से माजरत करते हैं और उम्मीद है आप सब हमें माफ़ करेंगे और इंशाल्लाह अपने दुआ में याद रखेंगे हम सबको, मुझे, मेरी बेटी को, इन बच्चों को,
तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे, और कराची वालों के लिए जल्द हम इंशाल्लाह एक गुड न्यूज़ भी होगी। तो तब तक के लिए